welcome to Jagran Josh. This is Nidhi Mittal. Our today's topic is Indian Army Recruitment Rally and its eligibility criteria. अगर आप सेना में भर्ती के लिए ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेना में भर्ती के लिए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एक प्रमुख माध्यम है। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, हवलदार और सोल्जर्स जैसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सेना में रिक्रूट की जाने वाली पोस्टों के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड और एज लिमिट होती है, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से लेकर 23 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं और वही बाकी पोस्ट के लिए आयु सीमा 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में है। अगर एडुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के थ्रू रिक्रूट की जाने वाली पोस्ट के लिए 8th पास से लेकर 12th पास तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 45% मार्क्स के साथ 10th पास होना ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप 12वीं या उससे अधिक पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप 10th पास हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से 12th पास हो। वहीं अगर बात करें सैनिक क्लर्क की तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 10th पास हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो। अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप 10th पास हो या ITI सर्टिफिकेट डिप्लोमा होल्डर हो। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट में मैसकीपर और हाउसकीपर की पोस्ट के लिए ही सिर्फ 8वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने मैथ्स के साथ BA या BSc पास किया हो। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आपने मैथ्स और साइंस से 12th पास किया हो। अगर आप जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हों। वहीं अगर आप जूनियर कमीशन ऑफिसर केटरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है या फिर आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। और वहीं अगर आप हवलदार की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जो कि ग्रुप एक्स और वाई में डिवाइडेड होती है, तो ग्रुप एक्स में अप्लाई करने के लिए आपको BEd के साथ BA, BCA या फिर MA, MCA होना ज़रूरी है और ग्रुप वाई में अप्लाई करने के लिए आपका BEd के साथ BA, BCA होना ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप स्पोर्ट्स या NCC जैसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो डिफेंस में नौकरी पाना आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इंडियन आर्मी ने सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए पूरे देश को 6 भागों में बांटा है, जिसमें साउदर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्ट और वेस्ट के प्लेन और हिमालय रीजन शामिल हैं। और हर एक रीजन के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारियाँ ले सकते हैं। देश भर में होने वाली इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एक ओपन रैली है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। If you like this video, then don't forget to like and share. For latest updates, you can visit the government section of jagranjosh.com or download the Sarkari Naukri app.